सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं एंड आप लोगों ने उनकी रैंकिंग कहीं ना कहीं देखी होगी, बट आज हम उनके बारे में नहीं बल्कि आज हम वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आज हम देखेंगे पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 10 वीकेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स। तो हाँ, डेफिनेटली आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 पे था ट्रेवर। तो ट्रेवर एक फोटोग्राफर और पोकेमॉन ट्रेनर दोनों था, और ट्रेवर ने 8 जिम बैचेस भी जीते थे, जिसके बाद वो कैलोस लीग में पार्टिसिपेट करता है, जिससे पता चलता है कि ट्रेवर उतना वीक भी नहीं है। पर पोकेमॉन एनिमे में ट्रेवर को काफी वीक दिखाया जाता है, जैसे कि बैटलिंग इनटू द हॉल ऑफ फेम नाम के एपिसोड में ट्रेवर एक टीम बैटल करता है एश, सरीना और क्लेमोंट के खिलाफ, जहां पे उसके टीम में टियर्नो और शोना होते हैं और तीनों ने कैंटो स्टार्टर्स का यूज किया था। और इस बैटल में सबसे पहले ट्रेवर ही बाहर हुआ था, यानी कि सबसे पहले वही हार गया था। और इसके बाद कैलोस लीग में ट्रेवर की बैटल होती है अलान के साथ, जहां पे लिटरली अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स ने सिंगल हैंडेडली ट्रेवर के पूरे टीम को हरा दिया था, जो कि थे एरोडैक्टाइल, फ्लोरजेस और मेगा चार्जर्ड वाई। तो हायर पोकेमॉन एनिमे के अंदर ट्रेवर की यही कुछ बैटल थी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि वो काफी वीक ट्रेनर था। और नंबर 9 जम। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसने होइन लीग में पार्टिसिपेट किया था, और पूरे पोकेमॉन एनिमे में इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल की है, जो कि मॉरिसन के खिलाफ थी। और हाँ, मॉरिसन वही था जिसको एश ने काफी इजीली हरा दिया था। वेल, इस बैटल की बात करें तो इस बैटल में जम्प ने अपने इलेक्टाबस को यूज किया था, और वहीं पे मॉरिसन ने अपने बेल्डम को यूज किया था, और मॉरिसन के बेल्डम को सिर्फ और सिर्फ टेकडाउन आता था, जिस वजह से जम्प अपने इलेक्टाबस को बार बार प्रोटेक्ट यूज करने बोल रहा था, जिससे इलेक्टाबस को डैमेज भी ना पड़े और बेल्डम को भी रिकॉइल डैमेज पड़ता रहे, जिससे वो अपने आप फेंट हो जाएगा। पर उसी वक्त मॉरिसन का बेल्डम इवॉल्व हो जाता है मीटैंग में, फिर उसने कंफ्यूजन और टेकडाउन का कॉम्बिनेशन यूज करके इलेक्टाबस को इजीली डिफीट कर दिया था, और इसी के साथ जंप टूर्नामेंट से बाहर निकल गया था। तो वहाँ इसने पूरे बैटल में अपोनेंट को डैमेज भी नहीं दिया था और काफी इजीली हार भी गया था। और नंबर 8 पे था हिरोकी। ये एक और ऐसा ट्रेनर था जिसने किसी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट किया था, बट काफी इजीली डिफीट हो गया था, और इसने पार्टिसिपेट किया था अलोला लीग में बैटल रॉयल 151 नाम के एपिसोड में, और इसका एक ही पोकेमॉन रिवील कराया गया था, जो कि था मडब्रेड, जो कि एक फुली इवॉल्व पोकेमॉन भी नहीं था। और जब इसकी सबसे पहली बैटल होती है तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर नॉकआउट हो जाता है, यानी कि हार जाता है। और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनमें सबसे पहला था जो कि लीग से निकल गया था, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा वीक था। और जब एपिसोड में आगे जाकर टॉप 16 ट्रेनर्स को अनाउंस किया जाता है तो ये उसको सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसी के बाद से ये हमें कभी नहीं दिखाया गया, बट डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा वीक ट्रेनर था। और नंबर 7 टीम रॉकेट या फिर जेसी और जेम्स। अब भले ये दोनों बहुत ज्यादा पॉपुलर एंड फैन फेवरेट भी है, बट एक पोकेमॉन ट्रेनर के हिसाब से ये बहुत ज्यादा वीक हैं। हर रीजन में इनके पास नए नए पोकेमॉन होते हैं, बट हर बार ये ऐश या फिर किसी और कैरेक्टर से हारते रहते हैं। मतलब ऐसे काफी कमी बैटल्स होगी जो कि इन्होंने ऑफिशियली जीती है, और आई डोंट थिंक कि मुझे इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप लोगों ने पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखा ही होगा कि ये कितने ज्यादा वीक हैं। तो हाँ, डेफिनेटली ये दोनों लिस्ट में जगह डिजर्व करते हैं। और नंबर 6 पे आता है मैंडी। तो ये उन कुछ ट्रेनर में से एक था जिन्होंने इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट एश की सबसे पहले लीग बैटल इसी के साथ होती है, और इसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी थे, जैसे कि सीड्रा, एग्जीक्यूटर या फिर गोलबैट, और इसके पास काफी एक्सपीरियंस भी था, और वहीं पे एश के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इसको लग रहा था कि एश एक काफी इजी अपोनेंट होने वाला, बट एश के क्रैबी ने इवॉल्व होने के बाद लिटरली इसके पूरे टीम को अकेले स्वीप कर दिया था, बिल्कुल ट्रेवर की तरह। बट ये इतना ऊपर इसलिए बिकॉज इसने क्रैबी के साथ बैटल की थी, जिसके पास एक सिंगल बैटल का भी एक्सपीरियंस नहीं था, और ये उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, जबकि हम अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स की पावर तो जानते हैं। तो हायर इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन होने के बाद भी इसके तीनों पोकेमॉन क्रैबी या फिर किंगलर से हार गए थे, जिसने इसके पहले एक भी बैटल नहीं की थी और काफी वीक भी था। तो डेफिनेटली अब तक का वन ऑफ द वीकेस्ट ट्रेनर में से एक है। वेल, आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकेक्विज के विनर ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि गेस करो ये कौन से पोकेमॉन की पोकेडेक्स एंट्री है। और नंबर 5 आता है रैंडम ट्रेनर। ये ट्रेनर हमें देखने को मिलता था मैंडरिन आइलैंड मिसमैच नाम के एपिसोड में, जहाँ पे इसके पास एक पर्शियन और टॉरस होता है, और उसके बाद ये ऐश को चैलेंज करता है। सबसे पहले ये अपने पर्शियन को भेजता है और ऐश अपने स्कॉटल को भेजता है, और इसके पास थंडरबोल्ट जैसे मूव थे जो कि स्कॉटल के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे, बट इसके बाद भी स्कॉटल इसको इजीली हरा देता है। और फिर ये अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है टॉरस। एश अपने स्कॉटल को वापस बुला लेता है और चार्जर्ड को भेजता है। उस टाइम पे चार्जर्ड एश की बात नहीं मानता था, तो पहले वो एश को जला देता है, और फिर वो ट्रेनर अपने टॉरस को टेकडाउन यूज करने बोलता है, पर तभी चार्जर्ड उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर कर देता है, और उस सिंगल अटैक से टॉरस हार जाता है, और इसी के साथ वो ट्रेनर हार जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली ये भी बहुत ज्यादा वीक ट्रेनर था।
और नंबर 4 पे आता है रेमंड। तो ये हमें किसी एपिसोड में तो नहीं बट पोकेमॉन के मूवी में देखने को मिलता है, जो कि होती है पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी यानी कि म्यूटू स्ट्राइक्स बैक। इस बैटल में रेमंड एश को चैलेंज करता है एक बैटल के लिए, जहां पे सबसे पहले वो अपने डॉन फैन को निकालता है और एश अपने बल्बसॉर को निकालता है, और लिटरली बल्बसॉर डॉन फैन को सिर्फ और सिर्फ एक ही सोलर बीम यूज करके हरा देता है। और चलो ये तो एक काफी स्ट्रांग मूव था, बट इसके बाद रेमंड अपने मचैम को भेजता है और एश अपने स्क्वाडल को भेजता है, और फिर एश का स्क्वाडल मचैम को सिर्फ और सिर्फ एक बबल बीम का यूज करके हरा देता है। और इसके बाद रेमंड गुस्सा होकर अपने 3 पोकेमॉन को एक साथ निकाल देता है, जो कि होते हैं गोलम, वेनमोथ और पिंसर, जो कि अनफेयर था। बट फिर भी एश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है, जिससे रेमंड के 3 पोकेमॉन हार जाते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे गोलम ग्राउंड टाइप था, जिसके ऊपर थंडरबोल्ट का असर नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी वो हार गया था। तो हर इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वीक ट्रेनर है। और नंबर 3 केसी। तो केसी एक पोकेमॉन ट्रेनर है, जो कि हमें सबसे पहली बार द डबल ट्रबल हेड्रो नाम के एपिसोड में देखने को मिलती है, जहाँ पे ये एश को चैलेंज करती है और काफी ओवर कॉन्फिडेंट होती है, और ये 3-on-3 बैटल होती है। इस बैटल में एश ने सबसे पहले अपने चार्जार्ड को चुन लिया था, फिर केसी अपने पीजी को भेजती है और चार्जार्ड सिर्फ और सिर्फ अपने नाक के हवा से उसको हरा देता है। लिटरली ये बहुत वीक था, बट उससे भी वीक उसका रैटाटा था, जो कि एश के चार्जार्ड पे क्विक अटैक करने जाता है, बट वो चार्जार्ड के पेट से टकरा के ही हार जाता है। मतलब यहाँ पे तो चार्जार्ड को लिटरली कुछ भी नहीं करना पड़ा था। एंड फिर केसी की लास्ट पोकेमॉन चिकोरिटा होती है, एंड इसको भी चार्जार्ड बिना किसी एफर्ट के सिर्फ और सिर्फ एक फ्लेम थ्रोअर मार के हरा देता है। बट हाँ, फिर आगे जाके एश और केसी फ्रेंड भी बन जाते हैं और एश अपना बीड्रिल भी केसी को दे देता है। बट डेफिनेटली एक पोकेमॉन ट्रेनर की तरह ये बहुत ज्यादा वीक थी। और नंबर 2 कैसेंड्रा। तो ये हमें सबसे पहली बार द प्रॉब्लम विद पेरिस नाम के एपिसोड में देखने को मिलती है, जहाँ पे ये अपने ग्रैंड मदर के साथ मॉस ग्रीन विलेज में एक मेडिसिन शॉप चलाती थी। तो हाँ, ये एक पोकेमॉन ट्रेनर तो नहीं थी, बट हम इसको फिर भी एक पोकेमॉन ट्रेनर के तरह काउंट कर सकते हैं। और कैसेंड्रा के पास एक पेरिस था, जिसको वो इवॉल्व करना चाहती थी पेरिसेक्ट में, ताकि वो उसका मशरूम मेडिसिन बनाने में यूज कर पाए। और इवॉल्व करने के लिए उसको एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए थे, जो कि बैटल करने से मिल सकता है। तो एश ने इसके साथ बैटल करने के लिए एग्री कर लिया, और यहाँ पे एश के पिकाचू को हारना था से, ताकि पेरिस इवॉल्व हो पाए। और फिर एश का पिकाचू एक काफी छोटा सा थंडर शॉक मारता है, बट उस थंडर शॉक से भी पेरिस फेंट हो जाती है। और सच में यार, ये तो बाकी सारे ट्रेनर से भी कहीं ज्यादा वीक थी। और फाइनली नंबर 1 ट्रेनर विद 6 मैजिकार्प। अब एक नहीं बल्कि आपको काफी सारे गेम्स के अंदर फिशरमैन देखने को मिलेंगे, एंड उनमें से कुछ फिशरमैन के पास 6-6 मैजिकार्प होते हैं। मतलब उनकी पूरी टीम में सिर्फ और सिर्फ मैजिकार्प होते हैं, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव होता है, एंड वो होता है स्प्लैश। और मैं ये काफी बार बता चुका हूँ कि स्प्लैश से बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता, मतलब वो फिशरमैन हमको बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाएंगे 6 पोकेमॉन होने के बाद भी। और ऐसा फिशरमैन या फिर ट्रेनर आपको पोकेमॉन रेड, ब्लू या फिर येलो में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ के पास 2 मैजिकार्प होते हैं, कुछ के पास 3 होती है, और किसी के पास तो पूरे मैजिकार्प की टीम होती है। तो डेफिनेटली सारे ट्रेनर आपको एक सिंगल डैमेज भी नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से काफी वीक होते हैं, बट हाँ, इवॉल्व होने के बाद ये काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ही ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।